अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है चिकन फहीता। चिकन फहीता बनाने के लिए हम एक पाव बोनलेस चिकन इस तरीके से हम काट लिए हैं, और उसमें मसाला ऐड करने के लिए हम आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर लिए हैं। अदरक पाउडर हम आधा चाय के चम्मच से कम लिए हैं। एक नींबू का रस लिए हैं। एक कटोरी हम तेल लिए हैं चिकन फहीता पकाने के लिए। टमाटर का हम प्यूरी लिए हैं, इसे हम बारीक सा पीस के प्यूरी बना लिए हैं। आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे नहीं भी डाल सकते। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज़ की हम प्याज लिए हैं। एक मीडियम साइज़ का हम टमाटर लिए हैं, इसका बीन्स निकाल के इस तरीके से काट लिए हैं। चलिए हम पहले हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। चलिए सॉफ्ट करने के लिए हम पहले से थोड़ा सा तेल ऐड कर तेल को हम गर्म होने देते हैं। पैन हमारा पहले से गर्म है। इसे हम एक मिनट तक सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। चलिए जब तक हम अपना चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम नींबू का जूस ऐड कर रहे हैं, टमाटर की प्यूरी, अदरक पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर है ये, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हम तेल इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम फ्राई पैन में ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम इसे निकाल लेंगे। इसमें हम जो बाकी का जो तेल बचा था हमारा, इसमें ऐड कर लिए हैं। इसे गर्म होने देंगे एक मिनट तक अच्छे से। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर रहे हैं। इसमें हम अपना जो मसाला इसमें लगा था उसे हम पानी थोड़ा ऐड करके साफ कर लेंगे। इतने पानी में चिकन भी हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा, और हमें जिस तरीके से बनाना चाहिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा चिकन भी अच्छे से पक गया है। इसमें हम जो शिमला मिर्च है, प्याज, टमाटर ऐड कर रहे हैं, इसे मिक्स कर लेंगे हम। हमारा चिकन फहीता तैयार है। चलिए हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। गैस बंद करें। चिकन फहीता हमारा बनके तैयार हो गया है। चाहे आप इसी तरीके से भी खा सकते हैं, नान, रोटी, चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं। एकदम सिंपल सा आसान से रेसिपी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।